गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जान चुके थे हम लोग कि आईपीएससी कैसे बनाते हैं और उसका बेसिक रूल्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। आज हम थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल में चलते हैं और कुछ और नए आईपीएससी का सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। हमने बताया था कल कि अगर मेरा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच है तो हम वैधता डबल बॉन्ड को देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को। यदि मेरे पास स्टूडेंट्स अगर कभी ऐसे आ जाए, मैंने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ से मैंने ये ब्रांच जोड़ दिया बी आर। अब इसका आईपीएससी हमको बनाना है तो सिंपली हम क्या देखते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किधर है। तो हम देख रहे हैं क्या इधर से भी पहले स्थान पर, इधर से भी पहले स्थान पर डबल बॉन्ड है। अब हम गणना किस साइज से करें तो ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है। यदि यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान स्थान पर हैं, समान स्थान पर हो, तब गणना डबल बॉन्ड से करते हैं, डबल बॉन्ड से करते हैं, ठीक है। अन्यथा अन्यथा सभी रूल्स, सभी नियम समान होंगे। ओके, यदि दोनों बराबर स्थान पे हो तो गणना हम किधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो हम गणना इसका आईपीएससी कैसे बनाएंगे, तो आईपीएससी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नेमकरण कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो 3 पर है तो हो जाएगा 3 ब्रोमो, 5 पर 2 बार है तो 5.5 डाई मेथिल। सभी यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं, हेप्ट 7 के लिए हेप्ट आता है मेन श्रृंखला में। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने पर है, 1 पर है, और ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है, 6 पर है। तो यहाँ पे इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला देख सकते हैं, ई और आइन, ई और आइन, तो ई पहले वाई लास्ट में आता है तो क्या लिखेंगे, 1 ई न और 6 आइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि मेरा ए ई आई ओ यू और वाई इनमें से कोई भी अगर वर्ड दिख रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें से एक वर्ड जो है गायब हो जाता है, हटा दे दिया जाता है। अब पहले वाले का हटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ना, ई और वाई दोनों साथ में आ गए तो एक ई पहले वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आईपीएससी बनता है। मैं कुछ और एग्जाम्पल लूँ तो देखिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई लगाते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, यहाँ पे लगा दिया बी आर, इधर भी बी आर और यहाँ पे सी एल। अब गणना किधर से करेंगे, सिंपली जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आईपीएससी क्या बनेगा इसका, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 6 पहले आए तो 6 ब्रोमो, 2 क्लोरो, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 बार है ना, तो हो जाएगा क्या, 5.6 डाई ब्रोमो, ओके, फिर 2 क्लोरो, 7 है तो हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है ना कितने पर है, 3 पर है, हेप्ट 3 आइन। इस प्रकार हम लोग आईपीएससी इसका बनाते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल की अगर बात करूं, मान लीजिए ऐसे आ जाए हमारे पास, इधर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बी आर, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे दे देता हूँ, ये
यहाँ पे एक सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे सी एल, और डबल माइन में यहाँ से लगा दे रहा हूँ। इसका आईपीएससी कैसे बनाएंगे, तो जितने कोने उतने कार्बन, ठीक है। तो पहले वाले का आईपीएससी कैसे बनेगा, जिधर से पहला ये ट्रिपल बॉन्ड है पास में है, यहाँ पर तीसरे पर, तो गणना यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब आईपीएससी कैसे बनाएंगे इसका, तो ब्रांच का पहले नाम लिख लीजिए, तीन पर है ना, तो 3 3 डाइब्रोमो, ओके। सो मेन श्रृंखला में 8 है, तो 8 के लिए क्या आता है ऑक्ट, और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 5 पर कितना है, डबल बॉन्ड है तो 5 इन, फिर 1 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, और दोनों साथ में आ गए तो एक ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। इसका आईपीएससी बन जाएगा, आईपीएससी बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा इसका आईपीएससी, गणना यहीं से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने पर हमारा ब्रांच है, 4 पर है, एक सी 3 पर, एक सी यहाँ पे सी है मेथिल, तो आईपीएससी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और यहाँ पे 5 मेथिल एंड 6 है ना, तो हेक्स, डबल बॉन्ड एक पर है तो 1 और 3, ये मेरा आईपीएससी बनेगा। इतनी चीज़ें हम जान चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट इसका और एडवांस टॉपिक जानेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रक्चर अलग अलग करके साइक्लो का केस भी हम जानेंगे। तो जो भी डाउट होता होगा स्टूडेंट, वो कमेंट सेक्शन में आप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।